राधौगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुंवर आदित्य विक्रम सिंह ने ग्राम डोंगर में किया। उद्घाटन सत्र में प्रथम दिवस मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने की और अतिथियों के रूप में अनिकेत मीना पार्षद प्रतिनिधि डोंगर के एन सैनी कार्यक्रम अधिकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज अरविंद खीची डॉक्टर सीबीओ जा राजकुमार अंगारिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों ने मां शारदा एवं स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। स्वागत गीत वैष्णवी धाकड़ ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पी के झा ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया। राधौगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। इलेक्शन हुआ था डोंगर के पार पता नहीं हमारे को पार्षद नहीं आए थे, जो भी हुआ फिर भी हम मेरी नजर इस गांव में जरूर रही है और पूरा वो कानून पढ़ाया अध्ययन किया है उसका। उस कानून में ये साफ संक्षेप में बताऊं तो ये लिखा हुआ है, जहां तक हमारी जनता जानती है और जो नहीं जानती है वो भी, कि हर नागरिक को उसकी जो नागरिकता है, हर एक व्यक्ति की नागरिकता उस पर विचार की जाएगी कि उसके धर्म पे विचार की जाएगी।